हाय सकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये इनके बालों पे ब्लेंड कट दिखाने वाली हूँ। इनके बाल शॉर्ट स्टेप में कटे हुए हैं और ये एक स्कूल गोइंग गर्ल है, तो इसके इनके बालों को ब्लेंड में काटना है। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स से हम ब्लेंड कैसे करते हैं। अच्छी तरह से बालों को टैंगल फ्री किया और फिर उस पर वाटर स्प्रे करने के बाद कटिंग मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ। छोटे बाल हैं तो कटिंग बहुत आराम से और अच्छे से कीजिए। आप अगर बिगनर्स हैं तो छोटे बालों की कटिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बड़े बाल निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पार्टिंग करी है, चार सेक्शन निकाले हैं मैंने और फिर बालों को सेक्शन क्लिप से डिवाइड कर दिया है। तो उसके बाद बैक के नेप एरिया से कटिंग शुरू करने वाली हूँ मैं, और यहाँ पर उंगलियों की सहायता से मैंने कट किया है। थोड़े से बालों को निकाला है और मैंने दिखाया है इनकी मदर को, इनकी मामा को, तो इन्होंने बोला कि थोड़े से छोटे और करो, तो अभी मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगी। अब इनकी मामा ने बोला कि थोड़े से बाल और छोटे करो, तो अभी मैं और थोड़ा छोटा कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये परफेक्ट ब्लंट के रूप में आएगा, आगे से इसका शेप राउंड आएगा और बैक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट होएगा। तो आप इस कटिंग को पूरा देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। जब बाल जब कट जाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है इसका। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को पसंद आने पे शेयर करके कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और मोस्टली बहुत सारे कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ मैं, जिनके जवाब की ज़रूरत होती है, और बाकी सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से लेयर बाय लेयर अगर आप कट करते हैं तो आपके बालों की कटिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, कोई 1 वीक से मैंने वीडियो नहीं डाला था। थोड़ी सी मसरूफियत थी, घर के कुछ काम थे, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, लेकिन अब आपको वीडियो रेगुलर मिला करेगा। हालांकि मैंने सोचा था कि वीडियोस बीच बीच में मैं डाल दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। और अब देखिए कि मैंने बालों के 2 लेयर निकाले हैं, तो बाल कितने प्यारे लग रहे हैं इनके। तो स्टेप्स कटिंग में जब आप ब्लेंड करते हैं स्टेप्स से, तो ऊपर वाले बाल थोड़े कम कटेंगे और नीचे नीचे के जो बाल हैं वो थोड़े से ज़्यादा कटेंगे। तो इस तरह से पूरी कटिंग आपको करते जानी है, और जो बाल हैं सेक्शन वाइज बालों को निकालना है और ऊपर के बालों को क्लच कर देना है। अच्छी तरह से बालों को कॉम करके बालों में चिपका लीजिए, उसके बाद उंगलियों नहीं तो फिर कैंची की सहायता से आप कट कर दीजिए। देखिए ऊपर के बाल थोड़े थोड़े कम कट रहे हैं, नीचे के बाल थोड़े से ज़्यादा कटे थे आपने देखा था, और अब ऊपर के बाल थोड़े से कम कट रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक फेसबुक पेज है, सभी सखी ब्यूटी पॉइंट के नाम से ही है। तो आप सखी ब्यूटी पॉइंट लिखकर मेरे टिकटॉक पेज को, मेरे इंस्टाग्राम को और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये क्राउन एरिया की एक लेयर निकाली है मैंने और अब इसको कट कर रही हूँ मैं। पूरे बालों को कट करना है। बैक साइड की जब कटिंग हो जाएगी तो आप फ्रंट साइड की कटिंग पे जाएंगे, जो कि ईयर टू ईयर वाले बाल हैं उसको हम काटेंगे, लेकिन पहले हम बैक साइड के पूरे बालों को काटेंगे। और वाटर अच्छे से स्प्रे करना है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, और अच्छे से तरह से बालों को टैंगल फ्री करना है। और वाटर स्प्रे होने के बाद जो है छोटे बाल हैं वो काफ़ी अच्छा कटते हैं। आप वाटर ज़रूर स्प्रे कीजिए, ड्राई बालों को कट मत कीजिए। आप मेरा तो यही कहना है कि आप अगर छोटे बालों की कटिंग कर रहे हैं तो ड्राई बालों की कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए आप,
तो इस तरह से देखिए बैक साइड के बाल पूरी तरह से कट गए हैं। और अब एक लेयर जो बाकी है उसको भी मैं कटिंग कर लूंगी। कुछ कटिंग में बच्चे आराम से कटवा लेते हैं, कुछ कटिंग में बच्चे काफ़ी प्रेशर में आते हैं कि बाल कट जाएंगे, ममाज के प्रेशर में आते हैं कि बाल कट जाएंगे। ये बहुत रिलैक्स थी, आपने देखा होगा, और काफ़ी रिलैक्स मूड में इन्होंने बाल कटवाए हैं अपने अपने। और मैं इनकी कटिंग दूसरी या तीसरी बार कर रही हूँ, तो शायद एक वीडियो मैंने इनकी और डाली हुई है। ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है और इनकी मम्मा के भी बाल मैंने कट किए हैं, तो उसकी वीडियो मैं कल डाल दूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो एक शॉर्ट हेयर कट की वीडियो डालूँ। मैं प्रिपेयर करके इसको रखा हुआ था मैंने, बट वॉश ओवर नहीं हुआ था, तो मैं इसको डाल नहीं पाई। अभी वॉश ओवर करने के बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगी, तो फिर ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। और इस तरह से सीज़र को सटा कर बिल्कुल एक लाइन निकालें, देखिए आप कितनी प्यारी सी लाइन निकल गई है। तो इस तरह से प्रैक्टिस से आप बहुत हद तक कटिंग को आप सीख जाएंगे। बार बार देखिए, अगर कोई कटिंग आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियोस वगैरह को बार बार देखिए, तो कटिंग आपके समझ में आ जाएगी। अब ये बैक की कटिंग हो गई है, तो हम चलते हैं अब फ्रंट की कटिंग की ओर। और फ्रंट की कटिंग को हमने थोड़ा सा गुलाई देनी है, तो फ्रंट की कटिंग में हाथों को थोड़ा सा ऊपर करना है और पीछे के गाइडलाइंस से उसको मिला लेना है। बहुत आराम से बालों को कट करें आप, कानों के बालों को आप बहुत आराम से कट करें, कान वगैरह का ध्यान रखें, कैंची लग ना जाए। तो इस तरह से आप आगे भी थोड़ी थोड़ी लेयर लेकर काटेंगे। होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो थोड़ी सी लाइट लग रहा है जैसे कम है, तो होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए उंगलियाँ मैंने तिरछी कर ली है और अब इसको मैं कट करती चली जा रही हूँ। तो ये वन साइड की कटिंग पूरी हो गई लगभग, और अब दूसरी तरफ के कानों के आगे के बालों को कट करना है। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसको भी सेम करना है, पीछे के गाइडलाइन से मिलाना है और उंगलियों को थोड़ा सा ऊपर को करना है, क्योंकि आगे से इसको इन्होंने राउंड शेप लेना है, तो ये कटिंग जो है राउंड में प्लांट हो जाएगी। तो इस तरह से बालों को कॉम करना और सेम तरह से इसको भी कट करना है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाकर देख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाकर देख रहे हैं और आप सब उसको पसंद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से आप मेरे सारे वीडियोस को मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से सारे बाल कट गए और अब चल रही है बालों की चेकिंग। चेकिंग मैं ज़रूर करती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे कि पूरा हेयर कट करने के बाद मैं चेक करती हूँ। और अब ये फ्रंट से थोड़ा सा इनको फ्लेक्स चाहिए, तो थोड़ा सा ये आईब्रोज तक के बाल को उठाया है मैंने और इस तरह से हल्का हल्का सा कट कर दिया है। इससे एक आगे का लुक काफ़ी अच्छा आ गया है। और अब करना है बालों को ब्लो ड्रायर करके आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इनका फाइनल लुक, और अभी देखिए इनके ये बहुत खुश हैं अपनी कटिंग से। थैंक यू फॉर